गुम है किसी के प्यार में शो की लीड एक्ट्रेस आयशा सिंह और ऐश्वर्या शर्मा की कोल्ड वॉर पे आयशा ने दिया ऐसा बयान जिसे सुनने के बाद फैंस भी हो गए शॉक। तो फिर चलिए आपको बताते हैं कि क्या कुछ कहा है गुम है किसी के प्यार में शो की सई ने और आखिर क्या है वो तीन बड़ी वजह जिसके चलते सई और पाखी के बीच शुरू हो गया है कोल्ड वॉर। तो आप बने रहिए हमारे साथ इसी वीडियो में अंत तक। दोस्तों गुम है किसी के प्यार में तो वैसे तो देश का दूसरा सबसे बड़ा शो है और कई दफ़ा ये शो अनुपमा शो को सरपास करते हुए नंबर वन भी बना है। इस शो की कॉन्ट्रोवर्सी उतनी ही पुरानी है जितने कि शो की TRP जितने कि शो के एक्टर्स और कास्ट के साथ लोगों का रिश्ता है। हालांकि इस शो की एक बड़ी लाइमलाइट और चाम मानी जाती हैं आयशा सिंह। आयशा सिंह और ऐश्वर्या शर्मा की लड़ाई तो बहुत पुरानी है लेकिन इसी बीच वो तीन बड़े वजह हैं जिसके चलते ऐश्वर्या शर्मा और आयशा सिंह ने सोशल मीडिया पर एक बार फिर कोल्ड वॉर की शुरुआत कर दी है। आपको बता दें रीज़न नंबर वन आयशा सिंह को कभी भी ऐश्वर्या शर्मा पसंद नहीं करती हैं इसकी सबसे बड़ी वजह है। जब से ये शो शुरू हुआ था तो ऐश्वर्या शर्मा चाहती थी कि वो विराट के अपोजिट नज़र आए लेकिन आपने देखा होगा कि इस शो में विराट के अपोजिट सई को कास्ट किया गया जो कि आयशा सिंह थी लेकिन उसी की दूसरी तरफ ऐश्वर्या शर्मा जो कि उनके रियल वाइफ है नील भट्ट की उनको नेगेटिव कैरेक्टर दिया गया पाखी का। यहीं से शुरुआत हो गई थी आयशा सिंह और ऐश्वर्या शर्मा की बड़ी लड़ाई की। ये है वो दूसरी बड़ी वजह जिसके चलते आज एक बार फिर आयशा और ऐश्वर्या में दिख रहा है कोल्ड वॉर की बड़ी जंग। आपको बता दें ऐश्वर्या शर्मा इन दिनों गुम है किसी के प्यार में शो से निकल चुकी हैं। इनके कैरेक्टर को ख़त्म कर दिया गया है। अब कैरेक्टर तो ख़त्म हो चुका है लेकिन हस्बैंड का क्या, विराट तो आज भी उसी शो का हिस्सा है। विराट तो आज भी सई के ही हस्बैंड हैं। ज़ाहिर तौर पर ऐश्वर्या शर्मा जो कि हमेशा से ही इनसिक्योर रही हैं आयशा सिंह को लेकर, तो साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि ऐश्वर्या शर्मा खतरों के खिलाड़ी के इस रियलिटी शो में जाने के बावजूद भी वो आयशा सिंह को लेकर आज भी उतनी ही इनसिक्योर नज़र आ रही हैं। शायद यही वो बड़ी वजह है कि उन्होंने आयशा सिंह को सोशल मीडिया पर ब्लॉक किया है। तीसरा है ये वो बड़ा राज जिसके चलते ऐश्वर्या और आयशा कभी नहीं बन पाई। आपको बता दें आयशा सिंह जो हमेशा से ही सेट पर अकेली नज़र आई हैं यही वो बड़ी वजह थी कि एक बार को फैंस जो हैं वो बड़ी डिमांड कर रहे थे कि आयशा सिंह के अपोजिट किसी और एक्टर को लाया जाए और बाद में मेकर्स ने फैंस की डिमांड मानी और लोगों के बीच आए हर्षद अरोरा। फिलहाल के लिए हर्षद अरोरा और आयशा की केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी है, लोग पसंद करते हैं लेकिन विराट के साथ जिस तरीके से केमिस्ट्री चल रही है उसको देखने के बाद ऐश्वर्या शर्मा को एक बड़ा झटका लगा है और ऐश्वर्या शर्मा कहीं ना कहीं ये नहीं चाहती हैं कि विराट और आयशा सिंह एक ही रियलिटी शो में एक साथ जाएँ जिसके चलते वो और आयशा सिंह हमेशा से एक कोल्ड वॉर का हिस्सा रही हैं। तो ये है वो तीन बड़ी वजह जिसके चलते इन दोनों ही लीड एक्ट्रेसेस ने एक दूसरे को सोशल मीडिया पर ब्लॉक कर अनफॉलो कर एक बड़ी जंग का ऐलान कर दिया है। फिलहाल आपका क्या है ओपिनियन, आपको क्या लगता है, क्या वाकई ऐश्वर्या शर्मा कुछ ज़्यादा ही आयशा सिंह से इनसिक्योर हैं या आप मानते हो कि जी नहीं इन दोनों की लड़ाई जो है वो बहुत ही पुरानी है, इन दोनों की लड़ाई जग जाहिर है। आप क्या कहना चाहोगे इस बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी पर, अपनी राय दीजिए हमें कमेंट बॉक्स में और इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब।